यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम लोग आज के एडजेक्टिव के सेशन से आगे के पार्ट को। दोस्तों, हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं और उसी के क्रम में हम चलते हुए आज हम पढ़ेंगे सम यूजेज ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स, है कि नहीं। कुछ एडजेक्टिव जो कि इम्पोर्टेंट हैं बहुत ही ज़्यादा, उनका प्रयोग करना है दोस्तों। जिसमें से हमने ये थोड़ा सा जिक्र किया है ओल्ड। ओल्ड को हम दो तरीके से प्रयोग करते हैं। इसका कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर भी होता है, एल्डर भी होता है, और पॉजिटिव डिग्री ओल्डेस्ट भी होता है और एल्डेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। कहाँ हमको सेंटेंस में किस तरीके से प्रयोग करना है और इनके साथ कौन कौन से हमारे कंजंक्शन या कौन कौन से प्रीपोजिशन लेते हैं, वो हम यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जल्दी से सारे बच्चों को जोड़ दीजिए और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट्स अभी चैनल पर नए हों, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सारे बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, आइए अपने सेंटेंस को, अपने इस आज पढ़ने पढ़ाने की दुनिया को आगे ले चलते हैं। देखते हैं दोस्तों, ओल्ड और इसमें डिफ्रेंशिएट क्या है एक एक बात को। और जो भी देखिए, हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं दोस्तों, लैंग्वेज सीखना है तो आप हमेशा और हमेशा एक बात ध्यान लीजिए दोस्तों, कि हर बात को, हर टॉपिक को आप पेन और पेपर पर जरूर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये गारंटी के साथ कहता हूँ, आप हर एक रूल एंड रेगुलेशन हमारे अकॉर्डिंग करते चलेंगे तो आई गारंटी कहता हूँ आप किसी भी एग्जाम में बैठिए और कम्पीट करिए उसको। ठीक है ना भाई, तो निश्चित रूप से पेन और पेपर लिखिए और रिविजन मस्ट है, प्रैक्टिस मस्ट है। आइए चलते हैं। ओल्ड, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, दैट इज योर पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड योर सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ओल्डर और ओल्डेस्ट, एल्डर और एल्डेस्ट, इसमें डिफरेंट क्या है? तो डिफरेंट यही है दोस्तों कि ओल्ड, जब कभी भी हमको ब्लड रिलेशन की बात आए, किसकी बात आ जाए, ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन समझ रहे होंगे, रीजनिंग पढ़ने वाले जानते हैं क्या होता है ब्लड रिलेशन। जिससे हमारा खून का रिश्ता हो, किसका हो, खून का रिश्ता हो, वो हम किसका यूज करते हैं, ओल्ड, ओल्डर और एल्डेस्ट शब्द का उसके साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, जैसे हम कह दें माई सिस्टर, माई सिस्टर इज एल्डर, ओल्डर देन यू। माई सिस्टर इज एल्डर, ओल्डर देन यू। अब ध्यान समझिएगा, ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहां पर हमको यानी कि ब्लड रिलेशन के अलावा अन्य किसी के साथ हमको क्या बताना पड़े, संबंध बताने का काम करना हो। ठीक है भाई, एनी रिलेशन, जहां पर हमको किसी भी प्रकार के रिलेशन या संबंध बताने हो, या फिर हम किसी वस्तु या व्यक्ति को हम उसको पीछे बताने काम करें, यानी कि वो आपका ओल्डर और ओल्डेस्ट होता है। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है ना। तो अब यहां पर हमने कहा कि माई सिस्टर इज एल्डर ऑब्लिक ओल्डर देन यू, दैट इज योर कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ पर एल्डर लगाएंगे या ओल्डर लगाएंगे, तो यहाँ पर आप बात समझ लीजिए कि माई सिस्टर की बात कर रही है, किसकी बात कर रहा है, माई सिस्टर इज एल्डर या ओल्डर, बताइए भाई जरा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बताइए जरा भाई, ध्यान लगाइए। समझ में आया कुछ? इसी तरीके से मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं इसी में, माई सिस्टर इज एल्डर ओल्डर देन मी।
आप जरा बताइए भाई। बताइए अब यहां पर समस्या आ गई, माई सिस्टर इज एल्डर ओल्डर देन यू। अब जरा एक बात बताइए दोस्तों कि जो ये हमारा माई सिस्टर है, ये मेरी बहन इज एल्डर या ओल्डर देन यू, ये जो यू है क्या इसके साथ इसका ब्लड रिलेशन है? क्या इसके साथ इसका ब्लड रिलेशन है भाई? माई सिस्टर है और आपसे बड़ी है कि नहीं? और आपसे बड़ी है तो यू एज ए सेकेंड पर्सन अब कौन हो सकता है? दैट इज नॉट डिफाइंड। तो क्या उसके साथ ब्लड रिलेशन है आपका? नहीं है दोस्तों। जब ब्लड रिलेशन नहीं है, यानी हो सकता कोई भाईचारे की भावना हो या उसके बारे में आपको जिक्र करना चाह रहे हो, तो किसका यूज करेंगे हम? ओल्डर का यूज करेंगे। किसका करेंगे भाई? ओल्डर का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही कुछ? जरा बताइए, बात समझ में आई? तो यहां पर एल्डर को रिमूव करते हैं और क्या यूज करते हैं? ओल्डर। और ओल्डर के बाद हमने क्या लगाया है? देन। क्या लगाया दोस्तों? देन यू। तो एक बार जान लीजिए, ओल्ड ओल्डर ओल्डर अपने साथ कंपेरेटिव डिग्री जब प्रयोग किया है तो हमेशा अपने साथ देन लेता है। क्या लेता है? देन लेता है। चलते अब इसकी माई सिस्टर इज एल्डर ओल्डर देन मी। अब यहाँ क्या समझे? अब माई सिस्टर का मेरे साथ रिलेशन है कि नहीं भाई? मुझसे बड़ी है ना? तो जब मुझसे बड़ी है तो यहाँ पर हम ओल्डर का प्रयोग नहीं करेंगे, रिमूव ओल्डर। अब यहां पर कह दिया माई सिस्टर इज एल्डर देन मी। क्या ये सेंटेंस सही हो गया भाई? क्या ये सेंटेंस सही हो गया? तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये ओल्ड एल्डर और एल्डर शब्द का प्रयोग किया जाए, तो जब एल्डर आपको कंपेरेटिव डिग्री के रूप में प्रयोग किया गया है तो इसके साथ हमेशा और हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, ना कि देन का प्रयोग किया जाता है। इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है भाई? तो इसके साथ हमेशा क्या आता है? टू आता है और इसके साथ देन आता है, ठीक, कंपेरेटिव डिग्री के रूप में। ये तो यहां पर हम देन का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे, रिमूव देन यूज टू। यहां तक बात समझ में आएगी दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है भाई? तो माई सिस्टर इज एल्डर टू मी, बात समझ में आएगी? चले ठीक। तो इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपके हर बार एग्जाम में आपको फंसाने की कोशिश करता है भाई। चले भाई आगे, जैसे हम आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं, और आप लोग करिएगा आराम से, इनको एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कॉपी में और रिविजन करिएगा, ठीक? चले भाई, आई एम द एल्डेस्ट सन ऑफ माई फैमिली। बने जरा इसको भाई, आई एम द एल्डेस्ट सन ऑफ माई फैमिली। ठीक है, एक सेंटेंस और देता हूं, आई एम द एल्डेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। बनाई दो सेंटेंस दिया हूं, बनाइए भाई। ये इल्डेस्ट है, तो पहला सेंटेंस क्या हुआ? पहला सेंटेंस आपने क्या कहा? आई एम द एल्डेस्ट सन ऑफ माई फैमिली। मेरे परिवार और मेरे के बीच जब परिवार का ही मेंबर है तो उसके साथ ब्लड रिलेशन होगा। जब ब्लड रिलेशन है तो यहाँ पर हम एल्डेस्ट लगाकर के कोई गलती है कि ये नहीं है दोस्तों, तो क्योंकि ये इसके साथ आता है, ब्लड रिलेशन के साथ आता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बिल्कुल सही है।
आइए चलते हैं यहाँ पर। आई एम द एल्डेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, क्या दिस स्कूल, स्कूल क्या इसके साथ ब्लड रिलेशन है? नहीं है दोस्तों, जब नहीं है तो एल्डेस्ट लगाने की क्या जरूरत है, एल्डेस्ट मत लगाइए। सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगा दीजिए, ओल्डेस्ट लगा दीजिए, ओल्डेस्ट लगा दीजिए। बात समझ में आ गई ना यहाँ तक? तो बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। चले चलते आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब ले चलते हैं हम आपको जो है बहुत अच्छा टॉपिक, जो आपसे कभी 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 क्या अक्सर आपको क्वेश्चन आपसे मिल ही जाता है, लिटिल और फ्यू का केस, लिटिल और फ्यू का केस कैसे इनको यूज किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। लिटिल और फ्यू को कैसे यूज किया जाता है, इनको एक ही शब्द में कहूंगा दोस्तों, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, लिटिल और फ्यू। इसी के साथ अ लिटिल अ फ्यू, इसी के साथ द लिटिल द फ्यू, ठीक है ना। ये केस दोनों लिटिल फ्यू, अ लिटिल अ फ्यू, द लिटिल द फ्यू, ठीक है ना। इसके मीन्स होता ही है कि कुछ मात्रा में कुछ ही होगा, ठीक है। तो लिटिल और अफ्यू का जो अर्थ होता है सम बट नथिंग, सम बट नथिंग। अब इसका क्या मतलब है, जो कुछ है वो ना के बराबर है, जो कुछ है वो ना के बराबर है, वी ऑलवेज यूज इन निगेटिव सेंस। कैसे प्रयोग किया जाता है इनको, ये हमेशा जब भी प्रयोग किया जाता है इनको निगेटिव सेंस में ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अ लिटिल और अ फ्यू की बात करें, सम बट नॉट इनफ, सम बट नॉट इनफ, यानी आपके पास वो चीज है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। इसका सेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है भाई। आइए चलते हैं नेक्स्ट, द लिटिल और द फ्यू की बात करें तो इसमें हम कहते हैं सम बट इनफ, सम बट इनफ, ये भी आपका पॉजिटिव सेंस देता है, ये बहुत ही मायने रखता है दोस्तों। सम बट इनफ यानी कहने का तात्पर्य ये है, द लिटिल और द फ्यू का केस जब भी आएगा इसमें हम आपको यही आपको जानना होगा कि जो कुछ है वो हमारे लिए पर्याप्त है। इसमें क्या है, अ लिटिल अ फ्यू में जो कुछ भी है हमारे लिए पर्याप्त तो नहीं है। लिटिल अ फ्यू और फ्यू का मतलब क्या हुआ, सम बट नथिंग, यानी कि है लेकिन नथिंग नेगेटिव यानी कुछ नहीं के बराबर है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑलवेज यूज इन नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस। आई बात समझ में, बोलिए कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी भाई? चलें अब यहां से डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे हम, लिटिल का यूज कहां करें, फ्यू का यूज करें, है ना। जैसे हम कह दें समझ लीजिए, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, फ्यू अ फ्यू द फ्यू, पहले इसको समझिए। इनका प्रयोग हम हमेशा मात्रा बताने के सेंस में करते हैं, किसका, मात्रा बताने के सेंस में। और मात्रा किसकी बताई जाती है भाई, अनकाउंटेबल नाउन की, किसकी बताई जाती है, अनकाउंटेबल नाउन की, है ना। तो लिटिल अ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और मात्रा बताने के सेंस में करते हैं, किसके, क्या भाई, मात्रा बताने के सेंस में करते हैं। जैसे हम कहते हैं देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉन्ड, देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉन्ड। तो यहां पर देखिए दोस्तों, लिटिल लगा है, लिटिल के बाद आने वाला जो नाउन है वो कैसा है आपका, अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है इसके लिए क्या लगाया गया, लिटिल लगाया गया। अब आपसे गलती इस तरीके से दिया जाता है, देयर इज
few water in the pond. In the pond. तो यहाँ पर आपका दिमाग आपको यहाँ तक सोचना होगा कि यहाँ पर water that is your uncountable noun और uncountable noun के साथ हम क्या use करते हैं little, a little और the little का प्रयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि देखिए एक बात मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बहुत बड़े बड़े जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन वही ले लूँ जब उसमें आपको उलझने हो जाएं, जब आप उसमें पजल हो जाए, बिल्कुल समझ में ना आए, कनंड्रम हो जाए, तो कोई उसका हल नहीं है, कोई उसका सोल्यूशन है नहीं दोस्तों। ठीक है भाई, तो इस तरीके के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद आप कम समय में और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो चैनल पर जो भी बच्चे नए हों वो प्लीज़ लाइक शेयर करें और सारे बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपसे एक ही उम्मीद होती है, आपसे एक ही हम थोड़ी सी कीमत लेते हैं जो हम सब्सक्रिप्शन के रूप में लेते हैं दोस्तों। तो आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट होती है, यानी कि वो रिक्वेस्ट होती है दोस्तों कि आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देयर इज फ्यू वाटर इन द पॉन्ड, ये बात समझ आ गई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव द लिटिल फ्रेंड इन इलाहाबाद, आई हैव द लिटिल फ्रेंड्स इन इलाहाबाद। करेक्ट दिस सेंटेंस, क्या ये वाक्य आपका सही है? सही है तो क्यों है, और गलत है? गलत है तो क्यों है दोस्तों, जस्टिफाई करिए। क्योंकि हम जितना कॉन्सेप्चुअल मेथड से सीखेंगे एक एक पॉइंट को किस वजह से हुआ है, उतना ही दिमाग में आपको ये बातें आती जाएगी। आई हैव द लिटिल फ्रेंड्स इन इलाहाबाद, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में मित्र है इलाहाबाद में, है कि नहीं? मेरे पास पर्याप्त मात्रा, मेरे पास मित्र जो है पर्याप्त है। अब यहाँ पर समस्या है क्या भाई, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सही है, अरे कहाँ दिमाग घन चक्कर हो रहा है दोस्तों। जरा देखिए भाई, यहाँ पर क्या है, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स दैट इज योर काउंटेबल नाउन, क्या है दोस्तों, काउंटेबल नाउन। अब ये काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अब काउंट कर सकते हैं तो क्या हम उसकी संख्या बता सकते हैं कि नहीं भाई, जरा बताइए संख्या बता सकते हैं कि नहीं, आप फ्रेंड्स जितने होंगे उनकी संख्या बता सकते हैं। तो हमने कहा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल को मात्रा यूज करते हैं, और मात्रा में कैसा, अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू को हम किसमें यूज करते हैं, संख्या बताने के लिए करते हैं, और संख्या किसकी बताई जाती है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसी की संख्या बताई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई ना। तो ये आपका काउंटेबल नाउन, अकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका काउंटेबल, तो यहाँ पर क्या करेंगे, द फ्यू, लिटिल को रिमूव, लिटिल करिए और क्या यूज करेंगे, फ्यू, द फ्यू। ठीक है भाई, आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स इन इलाहाबाद, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चले आप देखिए कैसे इसमें से कैटेगराइज करके एग्जाम में पूछता है, जरा बात को समझिएगा। आई हैव फ्यू चांसेस, आई हैव फ्यू चांसेस टू अपीयर इन यूपीएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम। अब इसको सही करिए भाई, क्या दिक्कत है, देखिएगा अभी इसमें बहुत सारे लोग एकदम बोल्ड हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। जरा बताइए, आई हैव फ्यू चांसेस टू अपीयर इन यूपीएससी एग्जाम, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। तो मैंने कहा ना, इसलिए मैंने नाम दिया कि सम
यूजेस ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव, क्योंकि ये अहम रोल ही ये लोग अदा करते हैं और इनको हम कैटेगराइज करके पढ़ते हैं दोस्तों। आई हैव फ्यू चांसेस, अब चांसेस सिंगुलर से प्लूरल हो गया, तो सिंगुलर से प्लूरल हुआ तो जाहिर से है संख्या बता रहा है, अवसर ही होंगे, अवसर हमेशा सीमित होते हैं, एक दो तीन चार जितने भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या किसी में अवसर जाना है तो भाई अवसर देता है ना चांस कि आप इतने में क्वालिफाई कर सकते हैं, आप एज लिमिटेशन हो गया या कितनी बार आप फॉर्म डाल सकते हैं, ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पर ये अवसर है, उसके लिए फ्यू लगा है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा एक बात बताइए, फ्यू लगाया है तो फ्यू का अर्थ क्या होता है? सम बट नथिंग, यानी कि उसके पास कुछ भी चांस नहीं है, उसके पास कुछ भी चांस नहीं है, है तो नहीं। अब जरा देखिए, उसके पास है तभी तो यूपीएससी एग्जाम में बैठने के लिए तभी तो अपीयर हो रहा है ना, जब कुछ नहीं होगा तो वो अपीयर कैसे होगा भाई, जरा सोचिए। तो कुछ ना कुछ तो है, तो कुछ ना कुछ है, जब कुछ ना कुछ है तो उसके लिए एक बात आ सकती है, आई हैव अ फ्यू चांसेस टू अपीयर इन यूपीएससी एग्जाम, ठीक है भाई। या फिर हो सकता है उसके पास पर्याप्त चांस हो, यानी कि ये चांस तो है लेकिन इनफ नहीं है भाई, हो सकता है कि दो हो। अब इसमें आई हैव या द लगा दीजिए, अब द लगा देने से उसके पास पर्याप्त चांस हो गया, चांसेस टू अपीयर इन यूपीएससी एग्जाम, क्या यहां तक बात समझ में आ गई भाई, बताइए दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल आप इन पर खड़े उतरिए, कहीं गलती मत करिएगा भाई। चले ठीक है ना, अब कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं, ये बात समझ में आ गई ना। तो इनका यूज इसी तरीके से किया जाता है, आप निश्चित रूप से रहिए, इनका यूज करते रहिए भाई, जैसा भी होगा आपको अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप बताइए। चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हटाए भाई, एक और दे देते हैं, ही गेव मी द लिटिल रूपी ही हैड, करेक्ट द सेंटेंस, ही गेव मी द लिटिल रूपी ही हैड। अब ये सेंटेंस करेक्ट कर दीजिए फिर आगे चलते हैं, यही कॉन्सेप्ट है, ही गेव मी द लिटिल रूपी ही हैड। अब एक सेंटेंस और दे देता हूं, ही इसी पर आधारित, गेव मी द फ्यू मनी ही है। बनाइए दोनों सेंटेंस बनाइए भाई, अरे एग्जामिनर पूछेगा कहां से भाई, कहां से क्वेश्चन उठाएगा, सारे कॉन्सेप्ट तो आपको दे ही दे रहा हूं, है कि नहीं। चलिए आइए देखिए, हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है एग्जाम्पल के मतलब, अरे चाहो तो मैं इसको आपको एक्सरसाइज में डाल सकता हूँ, सारी चीजें कर सकता हूँ, लेकिन हम चीजें यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के रूप में बताते चल रहा हूँ दोस्तों। देखिए, गेव मी द लिटिल रूपी, अब रूपी माना जाता है आपको क्या, काउंटेबल नाउन, क्या माना जाता है, काउंटेबल नाउन, यानी कि रुपए को हम काउंटेबल कर सकते हैं भाई, ठीक है। जब काउंटेबल नाउन माना गया है तो यहाँ पर लिटिल का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, फ्यू का यूज करेंगे, ठीक है भाई, फ्यू, आई ही गेव मी द फ्यू रूपी ही है, उसके पास जो कुछ रुपए था उसने दिया, ही गेव मी द फ्यू। अब यहाँ मनी क्या है, मनी को हमेशा अनकाउंटेबल माना जाता है, ध्यान रखिएगा, अनकाउंटेबल माना जाता है, जबकि रुपी आपका क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो यहाँ पर फ्यू रिमूव कर देंगे, क्या लगाएंगे, लिटिल लगाएंगे। तो ये निश्चित रूप से आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि रुपी आपका काउंटेबल नाउन होता है और मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, दैट इज योर करेक्ट सेंटेंस। चलिए भाई आगे आइए, ले चलते आगे, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, लिटिल और फ्यू का केस अब आप कभी नहीं भूलेंगे भाई, बताइए भूलेंगे भाई, अरे भूलेंगे तो समझ लीजिए कि क्या कहूँ आप लोगों को, ये भूलने वाली चीज नहीं है भाई, कभी मत भूलिएगा,
क्योंकि एग्जामिनर आपसे यहीं पर पूछता है। अब चलते हैं हम लोग कुछ पढ़ते हैं, सम और एनी का केस। सम और एनी का केस जरा बताइए इसमें क्या है भाई, इसमें क्या समस्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का अर्थ होता है कुछ, दोनों का ही अर्थ होता है कुछ। अब इनका यूज किस तरीके से किया जाता है तो ध्यान रखिएगा, सम का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। किस सेंस में? पॉजिटिव सेंस में किया जाता है, जबकि एनी का यूज हम हमेशा निगेटिव सेंस में करते हैं, निगेटिव सेंस में करते हैं। यानी कि जहां पर आपका सेंटेंस निगेटिव होगा वहां पर हम एनी का यूज करेंगे, जहां पर आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा वहां पर हम सम का यूज करेंगे। ठीक है भाई, जैसे हम कह दें आई हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट यू, आप इसी को कह दें आई हैव सम या ऑब्लिक एनी, यानी यहां पर लिख दूं दोस्तों आई हैव नॉट सम ऑब्लिक एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू। करेक्ट बताइए भाई जरा। ठीक है, अब एक सेंटेंस और इस तरीके से दे देता हूं, हैव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट मी। ये तीन तरह के सेंटेंस दिए गए हैं, इनको करेक्ट करिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चले आइए देखें। हमने कहा सम का यूज पॉजिटिव सेंस में करते हैं और एने का यूज नेगेटिव सेंस और साथ ही साथ इंट्रोगेटिव, साथ ही साथ इंट्रोगेटिव सेंस में प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर सम का यूज ओनली पॉजिटिव सेंस, एने का यूज नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव दोनों के भाव में किया जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है आपका, तो यहाँ पर सम का यूज करेक्ट सेंटेंस होगा, क्योंकि सम का यूज यहाँ पर, क्योंकि सेंटेंस ना तो हमारा नेगेटिव है ना ही इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर ये सम का यूज सही है। आई चलते हैं, आई हैव नॉट सम, यहाँ पर क्या है? नेगेटिव वर्ड आया, सेंटेंस आपका नेगेटिव है, और जब सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो सम का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे दोस्तों। तो एनी का यूज करेंगे तो हमारा तब सेंटेंस आपका सही होगा। अब यहाँ पर क्या सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आया है और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर सम का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, हैव यू एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट मी, ठीक है ना? तो दोस्तों समझ में आ गई ये बात, सम और एनी का यूज। अब इसी तरीके से कहा जाता है कि सम से बने हुए या एनी से बने हुए कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि होता नहीं है समहाउ, समहाउ एनी हाउ, ध्यान दीजिएगा समहाउ एनी हाउ बनता है नहीं भाई, बोलिए बन जाता है ना, समथिंग एनीथिंग। तो वही कंडीशन लागू होगी, इसमें कुछ विशेष बातें नहीं है। क्या कंडीशन लागू होगी? जो कंडीशन ये इनके साथ है वही कंडीशन इनके साथ भी होगी, यानी कि समहाउ और समथिंग का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंस में करेंगे, एनी हाउ और एनीथिंग का यूज हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस में करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आता तो इनका कॉन्सेप्ट है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, सम और एनी में डिफरेंस समझ में आ गया? क्या दिक्कत है यहाँ पर, बोलिए भाई, चले आगे ना, तो इनका यूज समझ लीजिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आपको ले चलते हैं मच, जानते ना मच और मेनी का केस, मच और मेनी का केस, मच ऑब्लिक मेनी का केस। अब ये जरा समझिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है मच और मेनी का केस, जरा इसमें बताइए क्या डिफरेंस हो सकता है।
क्या डिफरेंस हो सकता है भाई मस और मेनी में, बताइए जरा। नहीं समझ में आया? चलिए देखिए, मस और मेनी। मस का यूज हम मात्रा, अभी जैसे मैंने लिटिल में बताया था, मात्रा बताने के लिए किया था। और मात्रा किसकी बताई जाती है? अनकाउंटेबल नाउन की। किसकी बताई जाती है? अनकाउंटेबल नाउन की। अब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम क्या प्लूरल बना सकते हैं भाई, बताइए जरा। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते क्या इसको हम प्लूरल बना सकते हैं? जब काउंट ही नहीं कर सकते तो प्लूरल कैसे बनाना? तो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म। कैसे यूज किया जाता है? सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है या सिंगुलर नंबर में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर नंबर में यूज करेंगे। किसका? मच का। और किसके? मात्रा का बोध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। जैसे हमने कह दिया देयर इज मेनी वाटर इन द पॉन्ड, करेक्ट दिस सेंटेंस, करेक्ट दिस सेंटेंस। देयर इज मेनी वाटर इन द पॉन्ड, क्या समस्या आ गई? तो मेनी का यूज नहीं हुआ, किसका यूज होगा? मच का यूज होगा। बिकॉज वाटर इज योर अनकाउंटेबल नाउन, क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन, और ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ में आ गया ना, तो इसलिए मच का यूज किया गया। अब यहाँ पर मेनी की बात करें, ध्यान दीजिएगा, मेनी की बात करें दोस्तों, तो मेनी हमेशा क्या बताता है? और संख्या बताने का काम करता है, और संख्या उसी की बताई जाती है जो हम काउंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, और काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। ये तो काउंटेबल नाउन ऑलवेज यूज इन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है भाई, सिंगुलर और प्लूरल। भाई काउंटेबल है एक है, हम जिसको हम एक गिन सकते हैं वो काउंट सिंगुलर होगा, और जिसको एक ज्यादा गिनना होगा वो क्या होगा? आपका प्लूरल होगा। बात समझ आ गई ना? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, जैसे हम कहते हैं देयर आर मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, देयर आर मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब यहां क्या समस्या आ गई? कोई दिक्कत है यहां पर? ये सेंटेंस सही है भाई? कोई दिक्कत है यहां? सेंटेंस सही है तो दोस्तों, बिल्कुल सेंटेंस आपका करेक्ट है। बिकॉज बुक्स दैट इज योर नाउन, और नाउन कैसा आपका? काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन के पहले ये क्या लगा है आपका? मेनी, जो कि संख्या बताने का काम करता है। क्या बताता है? संख्या बताने का काम करता है। भाई जो लाइब्रेरी में बुक्स है वो सेम भी थी तो होंगी, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कई तो होंगे लेकिन काउंट तो कर सकते हैं। लेकिन जरा यहाँ वाटर को काउंट किया जा सकता था? नहीं किया जा सकता था, ठीक है ना। चले, ये कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लिए भाई, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इन पर बिल्कुल आप इनसे निश्चित रह करके आप सीखिए। चलें आइए नेक्स्ट चलते हैं। आज एडजेक्टिव का सेशन एंड होगा दोस्तों, ठीक है भाई। तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी बातें आप नोट डाउन करते रहिए। अब ले चलते हैं हम आप लोगों को मेनी के केस में। थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नाउन में मेनी ए और एन के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, वो भी सिंगुलर होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है, मेनी है भाई। और मेनी के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, और वो भी कैसे होगा? प्लूरल होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आप स्टार मार्क करके इनको लिख लीजिएगा। हमको एग्जाम फाइट करना है दोस्तों, कोई विद्वान बनना है नहीं, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट पूछा जाता है, मेनी ए एन के बाद नाउन सिंगुलर, और वो भी कैसा होता है? सिंगुलर, ठीक है। मेनी के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। जैसे हम एग्जांपल दे दें, मेनी आ बॉयज कम हियर, मेनी अ बॉयज कम हियर टू रीड इंग्लिश लैंग्वेज। बनिए भाई, मेनी अ बॉयज कम हियर
टू रीड इंग्लिश लैंग्वेज। क्या समस्या उत्पन्न हो गई, गलत हुआ, बोलिए गलत हुआ कि नहीं भाई। हम जैसे कहते हैं मेनी यंग स्टूडेंट्स, मेनी यंग स्टूडेंट्स हैव कम हियर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। कॉम्पिटेटिव एग्जाम, दोनों सेंटेंस बनाइए फिर आगे चलते हैं। मेनी अ बॉयज, कम है भाई यहाँ पर, ठीक है ना, ये कम है, सी ओ एम ई, कम हियर टू रीड इंग्लिश लैंग्वेज। मेनी अ यंग स्टूडेंट्स हैव कम हियर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। चले देखिए, अब हमने कहा कि यहाँ देखिए मेनी, मेनी के बाद क्या आया है, ए और एन का प्रयोग किया गया, ए और एन का प्रयोग किया गया है, तो आने वाला नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा, जबकि यहाँ बॉयज दिया गया क्या होगा, बॉय होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब ये सिंगुलर हो जाएगा तो वो भी सिंगुलर, तो यहाँ पर कम नहीं, क्या हो जाएगा, कम्स, सी ओ एम ई एस, कम्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ चलते, मेनी के बाद क्या आया है, ए एन आया है, यंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट होगा, ओनली स्टूडेंट होगा, ठीक है, और हैव नहीं, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, करेक्ट दिस सेंटेंस, बना लीजिएगा भाई, ठीक है, समझ में आ गई ना बात, तो ये कॉन्सेप्ट और नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है ये, हमेशा पूछा जाता है। चले अब जैसे हम कह दें मेनी बॉय हैज कम हियर टू रीड इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसको क्या करेंगे, तो यहां पर मेनी आया है, मेनी के बाद क्या आने वाला है भाई, ए एन का प्रयोग तो नहीं किया गया है, तो आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, तो बॉय नहीं, बॉयज हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, तो हैज नहीं, क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा भाई। चले उम्मीद है ये चीजें आपको पसंद आई होंगी और आपको मजा भी आया होगा भाई। बोलिए चलते हैं आगे, चलिए ले चलते हैं आगे आप लोगों को थोड़ा सा। फर्दर फर्दर, इनका यूज जान लीजिए कैसे किया जाता है, ये लास्ट टॉपिक होगा दोस्तों, क्या है, फर्दर और फार्दर। अब इनका यूज कैसे करेंगे, जो आपका फार्दर है ये हमेशा फार का कंपैरेटिव डिग्री, फार का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री ये आपका होता है फर्दर, क्या होता है भाई, फर्दर होता है, फार का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, फर्दर होता है, जिसका अर्थ किस में लिया जाता है, दूरी के सेंस में लिया जाता है, किसके सेंस में, दूरी के सेंस में, जब कभी भी दूरी के सेंस में भाव प्रकट हो तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, फर्दर का यूज करते हैं, समझ में आ गया ना। अब ये फर्दर क्या है, एफ यू आर टी एच ई आर, ये फर्दर होता है वन एडिशन मोर, के अतिरिक्त, जिसको हम कह सकते हैं वन एडिशन मोर, के अतिरिक्त, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा भाई, वन एडिशन मोर, के अतिरिक्त, ठीक है ना, तो फर्दर और फर्दर, इन दोनों का यूज आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा भाई। तो ये था एडजेक्टिव का सेशन दोस्तों, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहा एडजेक्टिव का, सारे पार्ट देखेंगे आप लोग तो एक एक पार्ट कैटेगराइज करके दिया गया है, वो आपको रूल बाय रूल बताया गया वहां पर, और जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था एक एक पॉइंट लेकर के चलेंगे, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं और लैंग्वेज सीखने के लिए आपको जरूरी है कि एक एक पॉइंट आप जानिए, चाहे आप जिस लेवल के एग्जाम में बैठे,
ठीक है दोस्तों। तो जो चैनल पर नए हो प्यारे बच्चों, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।